आज हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छा ट्रिक, जो कि इस तरह का सवाल रेलवे, एसएससी, बैंकिंग वगैरह में पूछी जाती है कई बार। अंडर रूट फाइव, ये इस तरह का अगर सवाल दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा कम्प्लेक्स है, जटिल है। इसको हम सॉल्व करने में हमको टाइम लग सकता है, तो इसके लिए आज हम एक शानदार ट्रिक देने जा रहे हैं। ये ट्रिक है, सबसे पहले हम ये काउंट कर लेंगे इसमें रूट कितना है, यानी कि एक, एक, दो, तीन, चार, चार है, तो यहाँ पर टू पर पावर फोर लिख देंगे। टू पे पावर क्या लिखेंगे, फोर लिखेंगे। अब टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू पे पावर फोर का मतलब 16, तो यहाँ हम 16 लिख देंगे। 16 जितना भी आएगा ये मल्टीप्लाई करके उसको लिख देंगे हम यहाँ, और उसमें से एक माइनस करके ऊपर लिख देंगे, तो 15/16। तो ये इसका जो वैल्यू होगा, यानी कि अंडर रूट फाइव है, तो 5 पे पावर क्या होगा, 15/16 हो जाएगा, यही वैल्यू होगा। ठीक है, ये पावर के रूप में हो जाएगा इस रूट, इस 5 पे। यहाँ रूट 7 रहता तो 7 पे पावर 15/16 हो जाता, यहाँ रूट 8 होता तो 8 पर 15/16 हो जाता। जो भी नंबर यहाँ रहता 5 की जगह पे, इस 5 की जगह पे, इस 5 की जगह पे, इस 5 की जगह पे, वही वैल्यू यहाँ पर पावर के रूप में ये हो जाता और वो नंबर हो जाता, तो ये आंसर हो जाता। तो इसको बनाने में हमको 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड में हम लोग इसको 2 सेकंड में बना सकते हैं, 1-2 सेकंड, 5 सेकंड में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वैसे अगर सॉल्व करते हैं तो हमको बहुत टाइम लग जाता है, इसमें सॉल्व करके हम दिखा भी रहे हैं। ये अंडर रूट फाइव इंटू, ये जो अंडर रूट फाइव है, इस रूट फाइव को हम रूट को चेंज कर दिए, पावर के रूप में ला दिए। तो रूट आप लोग जान रहे होंगे कि रूट जब चेंज होता है, पावर के रूप में आता है, तो उसमें क्या होता है, 1/2 पावर के रूप में आ जाता है। 1/2 पावर के रूप में आ गया, इसमें एक रूट समाप्त हो गया। अब ये हम लोग एक नियम और पढ़े हैं कि जब बेस सेम हो पावर, तब क्या होता है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है। तो इस पर पावर 1 है, इस पर पावर हाफ है, तो दोनों का बेस सेम है, 5/5 है, तो क्या हो जाएगा, पावर 3/2, यानी कि 1+1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब ये पावर 3/2 कर दिए, इसके बाद इक्वल टू 5 पे पावर 3/2 कर दिया। अब ये रूट जो है, ये रूट, इस रूट को फिर हम पावर हटा देंगे रूट को, तो पावर में यहाँ क्या होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर में, तो पावर में 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 3/2 है, तो इसका मतलब 3/4 हो जाएगा, तो यहाँ 3/4 हो गया, इंटू ये 5 है। अब यहाँ फिर वही रूल लागू होगा, 3/4 यहाँ है, ये 5 है, ये 5 है, इस पर पावर 1 है, दोनों का बेस सेम है, पावर फिर जुड़ जाएगा। तो अब अगर हम लोग 3/4 में 1 ऐड करते हैं तो वो आ जाता है हमको कितना, 7/4 आ जाता है, 7/4 लिख देंगे। फिर ये रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 से, इस पावर में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगले टर्म में, तो 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7/4 है, तो 7/4 क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, 7/8 हो गया हमको। इसके बाद यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 7/8 है, दोनों का पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, तो बेस सेम है तो हम जोड़ दिए पावर, तो 5 पे पावर क्या आ गया, 15/8 आ जाएगा, क्योंकि 1 ऐड करेंगे, 1+7/8 ऐड करेंगे, यानी कि 7/8 में 1 ऐड करेंगे तो 15/8 हो जाएगा, तो 5 पे पावर 15/8 हो गया। अब फिर इस रूट को हटाने के लिए इसमें क्या करेंगे, पावर में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15/8 में पावर में 1/2 से मल्टीप्लाई किए, तो 5 पे पावर क्या आया, 15/16 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये लॉ जो, ये रूल जो है बहुत ही आसान है, आप लोग इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें।